सिंघू बॉर्डर पहुँचने शुरू हो चुके हैं। बलबीर सिंह राजेवाल होनी साढ़े नाल ने गलबात करांगे। राजेवाल साहब 26 तरीक नूं लैके किहो जिहियां तैयारियां कीतियां गईयां ने? तैयारी पूरी है जी साड़ी, असी हर तरह हर एंगल तो तैयारी की है। लोगों कोई मुश्किल ना आए वो एंबूलेंसिस का भी प्रबंध किया, मोबाइल वर्कशॉप्स का भी प्रबंध किया। साढ़े वॉलंटियर्स होंगे हज़ारों की गिनती, जेडे कित भी कोई मुश्किल होएगी मदद ली जाएंगे। एक हेल्पलाइन नंबर देवे, किसी को कोई दिक्कत है फोन करो, उत्थे सहूलत पहुँचाने की कोशिश करांगे। ये सारे प्रबंध असी किए हुए। आउटर रिंग रोड की चर्चा हो रही थी कि आउटर रिंग रोड से जी ये ट्रैक्टर परेड है कड़ी जानी है, तो हूँ की डिसाइड होया तो कितने कड़ी जाऊगी, क्योंकि काफ़ी सवाल चिन्ह है लोगों के। आउटर रिंग रोड सिर्फ 47 किलोमीटर की है, उत्थे उन्होंने यह डर लगता सी भी घेर के बह गए आउटर रिंग रोड नू, दिल्ली दिल्ली दी नवचना सारी दिल्ली नू घेर लैणगे। फिर भी जिहड़े रूट तय किए ने, एक तो यह कोशिश की है भी सड़कां ते भजाउण वाले ना होण, उत्थे पापूलेशन होवे, लोकी देखण, लोकी उत्थे आउणगे, जलूस दी कोई स्वागत करेगा, कोई कुछ करेगा। तो तकरीबन 100 किलोमीटर का रूट दिल्ली के अंदर हरेक नाके ते बैठे ट्रैक्टर लई होएगा, कि 125 किलोमीटर है, कि 100 किलोमीटर है। इंटीरियर दिल्ली के अंदर जाके आ बैरीकेड जिहड़े लाए हुए ने, पुलिस अपने आप हुण हटाएगी, तो बैरीकेड कितें नहीं होएगा। तो असी पीसफुली इहनू सिरे चढ़ाउणा चाहुंदे आ। देखो किन्नी देर लगती है, 100 किलोमीटर का तुसीं एरिया दस्सिया, लगता है कि 2 दिन च वी ट्रैक्टर जिहड़े ने वापस आ जाणगे? ये हुण वक्त दसू, असी तां अपने वल्लों कोशिश करांगे, पर हुण लोकां दे विच जिहड़ा जोश है उहनू किवें ठल सकदे हो तुसीं? लोकां जोश ही इन्ना है। ये सरकार नूं समझना चाहिए भी इन्नी लुकाई मूव क्यों हो गई, हर वर्ग इहदे च आ गया। ये जन अंदोलन हो गया, सारी दुनिया का निवेकड़ा अंदोलन हो गया। मैं समझदा एक जिंदगी भर इस इतिहास में मोदी के मत्थे ते कलंक होएगा जो एड्डी वड्डी गिणती च लोग निकल के बाहर आए होण और पीसफुल अंदोलन होया होवे। सिक्योरिटी नूं लैके किहो जिहे प्रबंध किए गए ने, क्योंकि बीते दिन कई व्यक्ति भी फड़े गए ने, महिलावां भी फड़ियां गई ने किसान आगुआं वल्लों? असीं अपना वॉलंटियर्स का एक वड्डा नैटवर्क बनाया होया। एक तो असीं जिहड़े ट्रैक्टर लैके जाणगे उन्होंने कहा सारे नूं भी आप एक ट्रैक्टर दे उत्ते 5 या 6 बंदे, जिहड़े 4 बंदे 5 बंदे बैठो, बैठण उही जिन्हां नूं तुसीं जाणदे हो, बाहरले बंदे नूं ना बैठण दिओ, किसी नूं नेड़े तक ना आउण दिओ। तो इहदे नाल अपने आप सारा कुछ चैक हो जाएगा। हाँ एक गल बड़ी पक्की है भी असीं क्योंकि पीसफुल रहांगे, तो जे सरकार दीआं एजेंसियां या कुछ कराउणगीआं तां वायलेंस जिहड़ा सरकार दे नाल लगेगा। साडा इतिहास है, पिछले 8 महीने तो लड़ रहे हैं, 2 महीने तो इत्थे बैठे हैं, एक पत्ता तक नहीं असी तोड़िया। इत्थे लोगों ने साढ़े बिहेवियर नूं देख के अपने घर खोल दिते, दिल्ली चों लोग आके इत्थे सानू समान सारा धड़ाधड़ वंडी जा रहे हैं, कोई चंडीगढ़ों आउंदे ने, कोई दिल्लीओं आउंदे ने। तो ये सारा ना सरकार दीआं अखां खोलण वाला वर्तारा है, जे सरकारां होण तां। पर क्योंकि मैं समझदा इत्थे डेमोक्रेसी नहीं है, सूडो डेमोक्रेसी है, इस करके टुट गया सारा ढांचा देश का, ता ही सरकारां नूं समझ नहीं पैंदी। परेड नूं लेके किहो जिहा सुनेहा जाऊगा, क्योंकि सारी दुनिया की जिहड़ी निगाह 26 जनवरी नूं लैके टिकी हुई है? हाँ मैनूं पता लग्या अज्ज सवेरे भी विदेशां चों कोई 1000 दे करीब चैनल विदेशां दीआं धरतीआं तों इत्थे आ चुका, इहदी कवरेज सारी दुनिया ने करनी है। एक नवेकली किस्म दा इह समागम होएगा, लोकां दा समागम होएगा, जिहड़ा लोकतंत्र दे विच गणतंत्र दिवस जिहड़ा है, अज दे दिन साडा संविधान लागू होया सी। गणतंत्र दा मतलब है लोकां दा तंत्र, इत्थे सरकारी तंत्र भारू हो गया, लोकां दा तंत्र पिछे रह गया। असीं उहनूं अगे लिआउण वास्ते जिहड़ा पहली वारी इस तरह दा परेड असीं करांगे, भई लोकी अगे आउण, सरकारां पिछे होण, ब्यूरोक्रेसी पिछे होवे, सही मानिआं विच लोकां दी सेवादार बणे, इहदे लई उह पहला मील पत्थर असीं कढ़न जा रहे हां। परेड होने जा रही है, इस की कुछ खास रहेगा, की कोई झांकियां भी कढ़िया जाएगियां? हाँ ये बहुत सारिया झांकियां कढ़िया जाएगियां। बाबा बंदा सिंह बहादुर की झांकी होगी, जिन्हें किसानों पहली बारी इतिहास में जमीन की मालकी के अधिकार दिते,
सर भगत सिंह दे चाचा जी सर अजीत सिंह दी पगड़ी संभाल जट्टा लहर दे नाल संबंधित झांकी होएगी। बाबा बंदा सिंह बहादुर दा उस दिन प्रकाश उत्सव है, उन्हां दी भी झांकी होएगी। किसानां दी जिंदगी नाल जुड़ियां हुई झांकियां होणगियां, किवें किसान गरीबी कारण खुदकुशी करदा उहदी झांकी होएगी। इस तरह दीआं सब झांकियां साडे सभ्याचार साडे परिवारां नाल जुड़ियां हुई लोकां दे समस्यावां नाल जुड़ियां हुई झांकियां होणगियां। साहब लगता कि ट्रैक्टर सारे वापस हार जाएंगे, ये तो नहीं हो कि वो कहेंगे असी दिल्ली आ गए असी उत्थे बह जाइए? ना इदां दी कोई गल नहीं, ना असी कोई इदां दा फैसला किया। सारे नूं कहा आपो अपने ट्रैक्टर लियाओ, हाँ इतों वापस नहीं जाना, इत्थे ही बैठना है, क्योंकि इहदे बाद 29 जनवरी नूं पार्लीमेंट का सैशन शुरू हो रहा। मैं अज इत्थे कहा भी पार्लीमेंट जिहड़े लोगों के नुमाइंदे लोगों दीआं वोटां नाल गए ने, असीं देखांगे किहड़े माई दे लाल की हिम्मत है भी वह पार्लीमेंट के किसानों के विरुद्ध बोलता है। जिहड़ा एक शब्द बोलेगा उहदे खिलाफ हज़ार बोलांगे, और असीं इहनां नूं एडा हुण सौखा छड्डण वाले नहीं, कल्ले कल्ले दा हिसाब रखांगे भी किहड़ा MP अंदर की बोलता है। जे इदां ही बकवास करी जाणा हुण होर लोकी सुणन लई तैयार नहीं, तो असीं बैठांगे इत्थे 26 ते बाद पार्लीमेंट सैशन च पूरा भजावांगे सरकार नूं। बीते दिन एक व्यक्ति फड़िया गया सी, जदों उहनूं पुलिस दे हवाले कीता उहदे बयान चेंज हो गए, उस बयान नूं तुसीं किवें वेखदे हो? देखो उहने बहुत सनसनीखेज खुलासे कीते, क्योंकि एजेंसियां ने यह कम बिढ़िया होया, एक नहीं किन्निया एजेंसियां ने, असी रोज़ बंदे फड़ के इन्हां दे हवाले करदे आ, मैं छोटा मोटा केस पा के जमानत करा के ये छड़ दिंदे ने। जदों दे असी आए हां उदों दे ही बेशुमार फड़े ने, और हाले भी बहुत कुछ हो रहा है। सानू पता है एक दिन एक बंदा इहो जिहा चुणदे ने जिहदे कोई शक ना होवे, एक सधारण जिहे बंदे नूं 5000 रुपया दे के इन्होंने उहनूं मिट्टी का तेल दे के पहला 4 दिन एक लंगर च सेवा करवाई, बंदे नूं साडे बंदे सीधे ने उन्होंने भरोसा हो जाता भी जिहड़ा इन्नी सेवा करता यार ये सेवादार ही है। उस तों बाद रात नूं 1:30 बजे उन्हें मिट्टी का तेल छिड़के अग लाती, उत्थे चीनी की बोरी सड़ गई, टेंट इक सड़ गया, चलो संभाल लिया, गल अलग है। उन्हें जदों असीं फड़िया उन्हें दस्सिया जी मैनू तां फलाने बंदे ने 5000 रुपया दिता सी, मिट्टी का तेल दिता सी, उहदे नाल आए आए बंदे सीगे जी, उह पुलिस दे हवाले कीता, पता नहीं इन्होंने की किया। इस तरह अनेक फड़ाए ने, एजेंसियां पूरियां सरगर्म ने, और साढ़े को बहुत सारिया इनपुट्स ने जिदे मुताबक पूरी टिल लगी है सरकार की इनू अंदोलन ली तो लाने वास्ते। असी बड़ा सीधा अपने बच्चों नौजवानों अपने भाईचारे को कहा है भी एक गल का ख्याल रखियो, जे शांतमई रहोगे तो तुहाडी जित होएगी, जे हिंसा लियाओगे तो मोदी जितेगा। मैनू नहीं लगता भी इत्थे जिहड़ा कोई भी बंदा आया, चाहे किसान है चाहे साडा बच्चा है नौजवान है, भी वह मोदी नूं नहीं वह जितण दिंदा, जे मोदी नूं नहीं जितण देना तो शांतमई रहेगा। बड़ी सीधी जी गल है साहब। जिहड़ी आखिरी मीटिंग हुई है उस दे विच अगली कोई डेट डिसाइड नहीं की गई, की लगता कि सरकार पहल करेगी कि तुसीं गलबात करोगे अगली मीटिंग लई? इस सरकार की इच्छा तो है, असीं गलबात तो कदे भज्जे नहीं, पर सरकार नूं बहुत गरूर चढ़िया होया सत्ता का, और ये कुछ नहीं, वो बड़े सीधे सीधे शब्दों चो कह चुके भी सानू देखो जी ये शब्द रिपील ना वरतो, होर जो मर्जी शब्द लैओ साडी पत रह जे, उन्होंने तो अपनी हउमे ने जकड़िया होया, हउमे की वजह नाल बड़िया होया काम, होर तो कोई नहीं, तो मानते ने भी कानून जिहड़ा वो गलत बन गए, फिर वो ये भी इत्थे तक भी कहिंदे ने भी जे ये कानून वापस ले ले असीं जी बहुत सुधार किए हैं, कल नूं फिर लेबर लाज दे विच भी की हुई असीं तो सुधार किए ने, फिर वह आ बैठणगे। मैं उन्होंने कहा भी फिर गंगा नहा लो इको बारी, कानून रोकण नूं वक्त पाया, तो सरकारां दा कम है। राजवाल साहब आखिरी सवाल है, नौजवानों को की कहना चाहोगे, क्योंकि कईयों लगता है कि 26 तरीक है जी आखिरी दिन ही होगा परेड है, उस दिन आखिरी दिन हो सकता? नहीं आखिरी तरीक नहीं है, मैं अपने नौजवानों समझाना चाहाँगा भी 26 तारीख आखिरी नहीं, उतों मुड़ के आके किसी ने वापस नहीं मुड़ना, असी इत ही बैठ जाना। हुणे राती मुरथल तक टोटल फुली ब्लॉक्ड सी, अज मैनू लगता करनाल तक फुली ब्लॉक्ड होएगा, असी सारे पासे चौक हो जाएगा ट्रैफिक जिहड़ा दिल्ली नूं आउण जाण वास्ते, हरियाणे च UP च राजस्थान साइड नूं पंजाब च सारा सब कुछ टोटल ब्लॉक हो जाएगा। तो असी अपने नौजवानों नूं कहा भी उन्होंने जिथे तुसी चले हो उत्थे जाके ट्रैक्टर कढ़ा के खड़ जाओ, 29 नूं पार्लीमेंट का सैशन होना है, देखना किहड़ा माई दा लाल साडे विरुद्ध बोलता है, तो उन्होंने फिर सबक भी सिखाउणा है। ये असी अंदोलन कंटिन्यू रहेगा शांतमई, पूरी पूरा शांतमई, ये कोई दो राय नहीं, खासा ही अज तक शांतमई रहा अंदोलन, वो करके कोई अकाल पुरख की मेहर है
ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟਿਸਪੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਏਡਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਹ ਸਨ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਹੁਣੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਪਰੇਡ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਾਂਤਪੂਰਵਕ ਪਰੇਡ ਹੋਊਗੀ। ਅਤੇ ਜਿਸ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜੇਵਾਲ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਆ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਮਾਹੌਲ ਨਾ ਖਰਾਬ ਕਰ ਸਕੇ, ਉਸ 'ਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਨਿਗਾਹ ਰੱਖੀ ਜਾਏਗੀ। ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਡਿੰਪਲ ਦੇ ਨਾਲ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਅਜੀਤ ਵੈਬ ਟੀਵੀ, ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ, ਦਿੱਲੀ। देश दुनिया दीयां ताज़ा खबरां दे लई हुणे प्ले स्टोर तों डाउनलोड करो पंजाब दी आवाज़ अजीत न्यूज़ ऐप। हुण तुहाडा अपना अजीत हर सोशल मीडिया प्लेटफार्म दे उत्ते उपलब्ध है। फेसबुक दे उत्ते हुणे लाइक ते फॉलो करो अजीत दा ऑफिशियल पेज डेली अजीत। ते हाँ, नाल ही दोस्तां नूं पेज लाइक करन दे लई इनवाइट करना ना भुलना। इन्ना ही नहीं, हिंदी दे विच खबरां वास्ते लाइक ते समाचार हिंदी यूट्यूब दे उत्ते वीडियो खबरां देखण दे लई हुणे सबसक्राइब करो अजीत दा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल अजीत वैब टीवी। तुहाडा अपना अजीत हुण ट्विटर ते इंस्टाग्राम दे उत्ते भी उपलब्ध है। ट्विटर दे उत्ते खबरां दे लई फॉलो करो डेली अजीत ते इंस्टाग्राम दे उत्ते खबरां दे नाल नाल वीडियो देखण दे लई फॉलो करो ब्लू टिक वाला साडा ऑफिशियल चैनल डेली अजीत। इन्ना ही नहीं, अजीत दे वीडियो हुण तुसीं एप्पल टीवी दे उत्ते भी वेख सकदे हो। ते नाल ही अजीत अखबार दा डिजिटल एडिशन पढ़न दे लई डाउनलोड करो अजीत ई पेपर ऐप। तुहाडा अपना भरोसेयोग चैनल, तुहाडी अपनी आवाज़, पंजाब दी आवाज़ अजीत।